यहाँ सैनी समाज की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई है और पिछले विधानसभा चुनाव, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव और इस बार जूनियर विधानसभा उपचुनाव में लगातार सैनिक समाज की अनदेखी होने के कारण यहाँ हमारा जो समाज है वो आक्रोशित है और हमारे जो समाज है उसको ये बड़ा दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है तब से माली समाज भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता आ रहा है और उसके बाद भी, इतने समर्पण के बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज को दरकिनार कर रही है। इस बार ये एक हर एक आम आदमी के मुंह में ये बात थी कि लगातार ये दो प्रत्याशी जो है पिछले दोनों चुनाव से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक को टिकट दी जाती तो दूसरे निर्दलीय चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को हार का मजा चखा देता है कि दूसरे को टिकट जाती तो पहले वाला निर्दलीय चुनाव लड़कर। और हमने बार बार पार्टी को ये चेताया कि आप हमारे समाज को टिकट दो, हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे, अगर आप इनमें से फिर किसी को टिकट दोगे तो दोबारा वही कहानी होगी और वही की वही कहानी, वही इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। तो हम हर बार ऐसे नहीं होगा कि एक किसी निर्दलीय कैंडिडेट के पक्ष में वोट कर दें, एक भाजपा के पक्ष में वोट कर दें और दोनों जो प्रत्याशी बार बार हारते रहें। हम हमारे समाज का जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अपमान किया जा रहा है उस अपमान को हम नहीं सहेंगे और हम हमारा खुद का उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को और उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले दोनों उम्मीदवारों को दिखा देंगे कि आपकी जो आपसी लड़ाई है वो आप अपने तक रखो, भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी मूल ओबीसी के वोटर हैं, SC ST हमारे जो दलित समाज के वोटर हैं और हम सब वोटर्स मिलके हमारे जो कैंडिडेट होगा उसको हम जिताएंगे और उसको हम विधानसभा में भेजेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो बार बार के जो नाटक हो रहे हैं, इसको टिकट देंगे, इसको टिकट देंगे, इसको टिकट देंगे, इसको टिकट देंगे। उस नाटक के बीच में सैनिक समाज का मतदाता नहीं फंसेगा और हम इस बार हमारी पार्टी का, हमारे समाज से हमारा जो उम्मीदवार है वो खड़ा करेंगे और उसके साथ हम देंगे और सारा जो ओबीसी समाज है वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि सारा जो है झुंझुनू का जो समाज है वो परिवर्तन चाहता है। एक तरफ तो लगातार कांग्रेस की एक परिवारवाद का दंश झेल रहा है पिछले 30-40 वर्षों से और दूसरी तरफ भाजपा की जो ये आपसी गुटों की लड़ाई है इसका दंश झेल रहा है। आज सरकार होते हुए भी हमारे यहाँ पे भाजपा का विधायक नहीं है क्योंकि ये आपसी लड़ाई जो इनकी आपसी फूल है उसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। तो इस नुकसान की भरपाई इस बार हम हमारा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और सब लोगों को साथ लेंगे, सारे समाज को साथ लेंगे और ये चुनाव जीतेंगे और हमारे जो विधायक को हम यहाँ पे विधानसभा में भेजेंगे और कांग्रेस के जो परिवारवाद है इससे इस विधानसभा पर कौन प्रत्याशी होगा, कब नामांकन होगा? अभी तक जो है संपूर्ण समाज ने ये निश्चित किया है कि मैं जो है ये चुनाव का प्रचार जो है 24 तारीख को भरने जा रहा हूँ। और अगर समाज में अभी भी क्या है कि मंथन चल रहा है, समाज ने एक बार भी के लिए नामित किया, अगर समाज का कोई और भी सदस्य अगर मुझसे उचित सदस्य बाकी ओबीसी समाज को या सैनिक समाज को लगता है तो मैं उसके भी साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ और अगर कोई और तैयार नहीं होता है तो मैं ये समाज की तरफ से और ओबीसी समाज की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और ये 24 तारीख को हम नामांकन। डॉक्टर साहब, ये जो चुनाव है सिर्फ बीजेपी से खुश नहीं होगी, टिकट को मिली बीच बगावत ने लेके देख रहे हैं, फिर जीतने लेगी कितना क्या सुस्त होता है? देखिए, बगावत को लेके हम कोई चुनाव नहीं लड़े, हमें भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने का कोई सूख नहीं है, परंतु लगातार भारतीय जनता पार्टी उन्हीं उम्मीदवारों पर भरोसा करती आ रही है जो एक बार निर्दलीय खड़े हो जाते हैं पार्टी को हरा देते हैं, दूसरे बार उसको टिकट दे देते हैं वो फिर पार्टी को हरा देते हैं दूसरा वाला निर्दलीय खड़ा होकर। तो ऐसे जो पार्टी के जो बगावती नेता है उन बगावती नेताओं के साथ हम नहीं जा सकते, हमें हमारे जो आत्मसम्मान है हम उसको साथ रखेंगे और हम हमारा जो उम्मीदवार है हम जो जीत कर जाएंगे, हम जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं न कि बगावत के लिए। सगड़ा समाज में जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, फिर सिर्फ सैनी समाज की बात कर रहे हो? नहीं, सैनी समाज के साथ पूरा जो ओबीसी समाज है और जितने भी SC ST समाज है वो एकटक नज़र से देख रहा है, क्योंकि जो जातियाँ लगातार यहाँ पे चुनाव लड़ती आ रही है पिछले कई सालों से सभी उनसे नाखुश है, उनका जो चुनाव लड़ने का सिस्टम, चुनाव लड़ने के बाद लोगों से बाकी जातियों के साथ जिस तरह का उनका व्यवहार रहता है उससे सारा जो है झुंझुनू जो विधानसभा है वो नाखुश है और वो एक आशा की किरण के रूप में सैनी समाज की तरफ देख रही है। तो हम उनका सभी की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए